बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य के अरपा नदी के किनारे बसा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी और दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो अपने कई ऐतिहासिक और प्राचीन दर्शनीय स्थलों और अपने सुगंधित चावल एवं कोसा रेशम की साड़ियों के लिए पूरे भारत में बेहद ही प्रसिद्ध है। वही न्यायधानी शहर ऐतिहासिक रूप से बिलासा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो बिलासपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। दोस्तों, बिलासपुर मेट्रो शहर एरिया तकरीबन 305 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, लेकिन नगर निगम सिटी एरिया 205 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं डिस्ट्रिक्ट एरिया लगभग 3508 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, जहां 2022 की अनुमानित जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 18 लाख के करीब है और वहीं मेट्रो शहर की जनसंख्या लगभग 9 लाख के करीब है, जो भारत में 50वें स्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे स्थान पे आता है। दोस्तों, न्यायधानी शहर की कुल आबादी में प्रति 1000 पुरुषों पर 977 महिलाएं हैं और यहाँ की प्रत्येक आबादी 3750 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर न सिर्फ छत्तीसगढ़ के सबसे पसे पुराने शहरों में से एक है, बल्कि यहाँ का जीवन अरपा के पवित्र जल की तरह हमेशा से यहाँ पे बहता रहा है और किसी बड़े छायादार वृक्ष की तरह अपनी जड़ें मजबूत बनाता रहा है। सदियों से ही बिलासपुर में मछुआरों के साथ साथ कलचूरी और मराठाओं का शासन रहा है, लेकिन बिलासपुर शहर खासकर मछुआरों का देन है, जहाँ पर पूर्ण रूप से मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी और उन्हीं बस्तियों में एक मत्स्य महिला बिलासा रहा करती थी, जिन्होंने शिकार करने आए रतनपुर के राजा की जान बचाई, जिससे प्रसन्न होकर रतनपुर के राजा ने नदी किनारे वाला क्षेत्र बिलासा के नाम कर दिया और तब से लेकर आज तक ये क्षेत्र बिलासा बाई के नाम पर ही बिलासपुर के नाम से जाना जाता रहा है। दोस्तों, बिलासपुर जिसका नाम आते ही कुछ लोगों के जहन में गंदी सड़कें, बेकार राजनीति और सार्वजनिक वाहनों में ठसे हुए लोगों की छवि दिमाग में उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है दोस्तों, रायपुर को राजधानी बनाने से पहले बिलासपुर को राजधानी के लिए चुना गया था, क्योंकि बिलासपुर उस समय रायपुर से काफी बेहतर था, लेकिन कुछ कारणवश बिलासपुर को छोड़ रायपुर को राजधानी घोषित कर दिया गया। हालांकि बिलासपुर आज भी रायपुर से कम नहीं है, क्योंकि बिलासपुर में राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जोन, राज्य का सबसे बड़ा NTPC, राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, राज्य का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल, राज्य का सबसे बड़ा माचिस और पेपर उद्योग और एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी बिलासपुर शहर में ही स्थित है। तो चलिए मेरे दोस्तों, बिलासपुर शहर और जिले के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बिलासपुर शहर अरपा रिवर के दोनों किनारे बसा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ की न्यायिक नगरी और धान की डाली के रूप में जाना जाता है, जिसे मत्स्य महिला बिलासा और उनके परिवार द्वारा बसाई गई थी, जो आज वह बिलासपुर विकास की ओर इतनी तेजी से बढ़ गया है कि कई मायने में रायपुर के बाद और कई मायने में तो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले पायदान पर आता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, जिनमें सिलपहरी, सिरगिट्टी, तिफरा, सरकंडा, बिल्हा, तखतपुर, कोटा, बिलासपुर, सेलर, सीपत, दगौरी, सकरी और चकरभाठा, ये सब वह स्थान हैं जहां पर अधिक मात्रा में कंपनीज, फैक्ट्रीज और दाल चावल की मिले स्थित है। वही बिलासपुर मध्य भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है, जिसे सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाई जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, बिलासपुर ही छत्तीसगढ़ राज्य का वो शहर है जहां पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द की आलोचना की गई थी, और तो और बिलासपुर ही वो शहर है जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले नगरपालिका का दर्जा मिला था। इसके अलावा बिलासपुर शहर में ही स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जिसे कानन पिंडारी के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 120 हेक्टेयर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर आपको 80 प्रकार से भी ज्यादा वन्य जीव देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बिलासपुर ही छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी है, जिसके अंतर्गत 8 जिले शामिल है, जिनमें कोरबा, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, गौरेला पिंडरा मरवाही, मुंगेली
और बिलासपुर और इन्हीं 8 जिलों से 30 छोटी बड़ी नदियां भी बहती है, जिसके कारण बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग भी बनाता है। वहीं बिलासपुर शहर को छत्तीसगढ़ राज्य की न्याय राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि बिलासपुर में ही छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर शहर में ही स्थित है, जिसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिसकी स्थापना सन 1983 में किया गया था और सन 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, बिलासपुर शहर में ही स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे पुराना महाविद्यालय, जिसे जेपी वर्मा कॉलेज के नाम से जाना जाता है और इसे बिलासपुर के लोगों द्वारा फुटा कॉलेज भी कहा जाता है। और तो और दोस्तों, बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा शहर भी है जिसे मुख्यालय सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बिलासपुर शहर संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, एनटीपीसी मुख्यालय, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, बिलासपुर जंक्शन मुख्यालय एवं अन्य मुख्यालय केंद्र है। इसके अलावा बिलासपुर जिले की सीपत तहसील में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, जिसे एनटीपीसी सीपत कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करता है। वहीं बिलासपुर शहर में ही स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल, जिसे स्टेट मेंटल हॉस्पिटल के नाम से या सेंद्री मेंटल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग इलाज कराने आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली सैन्य छावनी भी बिलासपुर के चकरभाठा में प्रस्तावित है, जिससे अब चकरभाठा अड्डा के नाम से नहीं बल्कि चकरभाठा छावनी के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बिलासपुर शहर को छत्तीसगढ़ राज्य की सिवा काशी भी कहा जाता है, क्योंकि बिलासपुर शहर में ही राज्य का सबसे बड़ा माचिस और पेपर उद्योग स्थित है। वहीं बिलासपुर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, जो भारत के सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में गिना जाता है और ये शहर भारत के 100 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किए जाने वाले शहरों में भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में ही छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, जिसकी कुल लंबाई 1.7 किलोमीटर है। वहीं बिलासपुर जिले की सीपत तहसील में ही छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा मस्जिद भी स्थित है, जिसे लुथरा शरीफ के नाम से जाना जाता है, जहां पर छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों से लाखों मुस्लिम और अन्य श्रद्धालु लुथरा शरीफ में चादर चढ़ाने जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बिलासपुर जिले में मेले और त्योहार को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ का शिवरी नारायण मेला, दुर्गा झांकी और राउत नाचा पूरे बिलासपुर संभाग का सबसे लोकप्रिय मेला और झांकी है, जहां पर दुनिया भर से सैलानी राउत नाचा, मेला और दुर्गा झांकी की आनंद लेने आते हैं। तभी तो दोस्तों, बिलासपुर को कहा जाता है त्योहारों की नगरी या त्योहारों का शहर, जहां सभी धर्म के लोग सभी त्योहारों को आपस में मिलजुल कर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वहीं बिलासपुर के मुंगेली मार्ग पर स्थित है वंडर वर्ल्ड पार्क, जिसे कई लोग सात अजूबों का घर भी कहते हैं। बता दें कि ये वंडर वर्ल्ड पार्क बिलासपुर शहर का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का एक बहुत ही लोकप्रिय सेल्फी पॉइंट है, जहां पर दुनिया के सात अजूबों को दर्शाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर भी बिलासपुर शहर में ही स्थित है, जहाँ दूर दराज से छात्राएं उच्च शिक्षा पाने के लिए बिलासपुर शहर आते हैं। इतना ही नहीं, बिलासपुर शहर में ही छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मार्केट भी स्थित है, जो पुराना बस स्टैंड इलाके में राजीव प्लाजा के नाम से जाना जाता है। वहीं बिलासपुर के गोल बाजार इलाके में स्थित है कंपनी गार्डन, जिसे स्वामी विवेकानंद उद्यान भी कहते हैं, जो बिलासपुर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना और सबसे फेमस गार्डन है, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। और तो और दोस्तों, बिलासपुर शहर में ही छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची बिल्डिंगों वाला हॉस्पिटल भी स्थित है, जो बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा बिलासपुर ही रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा अमीरों वाला शहर भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2022 में हुए एक सर्वे के अनुसार बिलासपुर शहर को
भारत का पांचवा रहने लायक सबसे अच्छा शहर भी माना गया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंगों वाला शहर रायपुर के बाद बिलासपुर शहर में ही स्थित है। दोस्तों, बिलासपुर जिले से चार प्रमुख नदियां गुजरती है, जिनमें अरपा, मनियारी, खारंग और लीलागर नदी। इसके अलावा बिलासपुर जिले का गठन 2 जनवरी सन 1861 में किया गया था, जिसके अंतर्गत चार ब्लॉक और वर्तमान में 11 तहसीलों को शामिल किया गया, जिनमें बिल्हा, मस्तूरी, रतनपुर, कोटा, बिलासपुर, बोदरी, तखतपुर, बेलगहना, शकरी, बेलतरा और सिपत तहसील को। दोस्तों, बिलासपुर शहर में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG10 है। वहीं बिलासपुर शहर रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है, जहां की कुल साक्षरता दर 85% से भी अधिक है, यानी कि यहां पर 85% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। और यहां की जैन इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, डाओ पब्लिक स्कूल, सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल, बिरलैंड पब्लिक स्कूल, आधारशिला विद्या मंदिर, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, CMD PG कॉलेज, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, न्यू होराइजन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स PG कॉलेज एवं सिम्स बिलासपुर यहाँ की सबसे प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। वहीं बिलासपुर जिले में प्रमुख बोले जाने वाली भाषाओं में छत्तीसगढ़ी, हिंदी, सिंधी एवं अन्य हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिलासपुर जिले की पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो बिलासपुर भी पर्यटक स्थलों के मामले में काफ़ी आगे है, क्योंकि बिलासपुर जिले में मल्हार, तालागांव, रतनपुर, लुथरासरी और बेलपान जैसे कई धार्मिक स्थलें स्थित हैं, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, अब पर्यटक स्थलों के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम रतनपुर जाते हैं। रतनपुर, जिसे तालाबों का शहर, मंदिरों की नगरी, टंकियों का शहर और कलचुरियों का गढ़ भी कहा जाता है, अगर आप यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले भैरव बाबा मंदिर, माँ महामाया मंदिर, लक्ष्मी देवी मंदिर, राम टेकरी मंदिर, विशाल तालाब, कंठिल देउल मंदिर, खोखो बावली, रतनपुर किला और बादल महल घूमे। इसके बाद आप रतनपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित पाली शिव मंदिर और खुटाघाट डैम जरूर जाएं। इनमें से पाली का शिव मंदिर एक ऐतिहासिक धार्मिक प्राचीन स्थल है और खुटाघाट डैम जिले की सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है, जहां पर आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। और यहीं पर पुष्प वैली गार्डन भी स्थित है, जहां पर आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं मल्हार। बिलासपुर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मस्तूरी तहसील और मस्तूरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मल्हार नगर पंचायत, जो एक प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगर है। अगर आप यहां जाते हैं तो सबसे पहले देउर मंदिर, डिंडेश्वरी मंदिर, राजमहल, मल्हार किला, नंद महल मंदिर और पतालेश्वर मंदिर घूमें। इसके बाद आप मल्हार से कुछ ही दूरी पर स्थित बूढ़ी खार भी जा सकते हैं, जहां पर आपको भगवान विष्णु की संग, चक्र और गदा धारण किए हुए प्राचीन मूर्ति देखने को मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे पुरानी प्राचीन प्रतिमा है। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं तालागांव। बिलासपुर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिल्हा तहसील और बिल्हा से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ताला अमेरिकापा गांव, जो एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, जहां पर आपको रुद्र शिव की प्रतिमा और देवरानी जेठानी मंदिर देखने को मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे पुरानी प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, यहां घूमने के बाद आप ताला से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनकू द्वीप जा सकते हैं, जो एक आइलैंड और एक धार्मिक स्थल है। दोस्तों, अब चलिए चलते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण बिलासपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जो एक रामायण कालीन स्थल है, जहां पर आपको नर नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, केशव नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ का मंदिर, सबरी माता का मंदिर और लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर देखने और दर्शन करने को मिलेगा।
दोस्तों, बिलासपुर जिले में इन धार्मिक स्थलों के अलावा और भी कई पर्यटक स्थले हैं, जिनमें कानन पिंडारी जू, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, लुथरा शरीफ, कंपनी गार्डन, वंडर वर्ल्ड पार्क, काली मंदिर तिफरा, एनर्जी पार्क, बबल आइलैंड वाटर पार्क, 36 मॉल, रामा मैग्नेटो मॉल, भैसाजार बांध, घोंगा जलाशय, मरही माता मंदिर, किरारी गोड़ी शिव मंदिर, चांदनी झरना, औरापानी जलप्रपात, शिव मंदिर गनियारी, दल्हा पहाड़ सीपत, स्मृति वन पार्क, बिलासा ताल, अरपरिवर व्यू, कुर्दर वैली रिसोर्ट, बंधवा तालाब, बोईर पड़ाव पिकनिक स्पॉट, बिलपान शिव मंदिर, भुलकेश्वर महादेव मंदिर एवं कोटमी सोनार और गिरौदपुरी धाम भी विजिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, बिलासपुर शहर पहुंचने के लिए बिलासपुर शहर में स्थित है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो छत्तीसगढ़ के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। यहां पर उसलापुर, चकरभाठा और धाधापारा रेलवे स्टेशन बिलासपुर शहर की सेवा करने वाले अन्य रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो भारत के सभी रेल नेटवर्क वाले शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिलासपुर शहर सड़क मार्ग के जरिए भी पहुंचा जा सकता है, जहां बिलासपुर शहर अपने सड़क मार्ग के जरिए जबलपुर, भोपाल, अमरकंटक, अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़ एवं भारत के कई प्रमुख शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं। वहीं वायु मार्ग की बात करें तो दोस्तों, बिलासपुर शहर में स्थित है बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, जो अपने वायु मार्ग के जरिए भारत के दिल्ली, जबलपुर, भोपाल, प्रयागराज एवं इंदौर से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके जरिए आप बिलासपुर शहर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।